और अब बात रिकॉर्ड नंबर 90 की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को लेकर हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों ने रहस्यों के पर्दे से ढकने की कोशिश की। कभी ये नागरिकों को जानने नहीं दिया कि आखिर वो सीक्रेट फाइल क्या है जिसे सरकार सार्वजनिक करने से बचती आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया कि नेताजी के बारे में जानने का इस देश के हर नागरिक को हक है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी 2016 को उनसे जुड़ी सीक्रेट फाइल को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के पारिवारिक सदस्यों के सामने उनसे जुड़ी सीक्रेट फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य तथा परिवार के प्रवक्ता चंद्र कुमार बोस ने पारदर्शी कदम बताया। गौरतलब है कि दो आयोग नेताजी की मौत की जांच कर चुके हैं।